इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रसिव कोर्स डिजी में तो आज ही गूगल प्ले स्टोर ऐसी हमारे डाउनलोड कीजिए गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनीवेयर है पावर सप्लाई नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पावर सप्लाई दैट इज रिएक्टिव फायरस सो आज की वीडियो में हम रिएक्टिव फायर स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी कर लिया था कि रिएक्टिफायर्स जो है वो बेसिकली आपको थ्री टाइप्स के स्टडी करने हैं हाफ वेव रिएक्टिफायर एंड फुल वेव रिएक्टिफायर में आपको बेसिकली टू टाइप्स के और स्टडी करने हैं सेंटर टैप फुल वेव रिएक्टिफायर एंड ब्रिच रिएक्टिफायर सो so, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाफ वेव रिएक्टिफायर सो बेसिकली हाफ वेव रिएक्टिफायर क्या होता है हाफ वेव रिएक्टिफायर का यूज क्या है और हाफ वेव रिएक्टिफायर के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन हमें स्टडी करने हैं सो बेसिकली सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर सो यहाँ पर आप एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं बेसिकली आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं फॉर हाफ रियक्टिफायर और आप यहां पर एक डायोड भी यूज करते हैं ठीक है और एक आपका होता है लोड रेजिस्टेंस आर एल और आर एल के अक्रॉस ही आप कैलकुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज और यहां पर आप करंट लेते हैं आई विच इज लोड करंट और आप यहां पर प्योर एसी सप्लाई लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में प्योर एसी विच इज 220 ट्वेंटी वोल्ट आर ठीक है और सप्लाई आप लेते हो 50 फ्रीक्वेंसी की एंड पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करने से लो डीसी जनरेट होती है जिससे कि आपका डायोड जो है वो प्रोटेक्ट होता है सो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू टू जनरेट लो डीसी एंड प्रोटेक्ट डायोड हैज अ स्मॉलर वोल्टेज रेटिंग्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टेप डाउन ही यूज करना है ठीक है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली जो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं एस कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग सो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऑफ टर्स इन प्राइमरी वाइंडिंग वाइंडिंग देन इन सेकेंडरी क्लियर है यहां यहां तक अच्छे से सो so, अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दू सपोज करिए अगर आप टेन रिश टू वन का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं बेसिकली जो टर्स रेशियो है एन वन डिवाइडेड बाय एन टू अगर आप वो टेन रेस टू वन का ले रहे हैं तो यहां पर जो 220 ट्वेंटी वोल्ट आप प्योर एसी दे रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में वो जाएगा सिर्फ ट्वेंटी वोल्ट ठीक है तो यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है उसे मैं कर रहा हूं वी आई. क्लियर यहां तक सो so, आपको करना क्या है बेसिकली आपको वी आई जो कि ऑब्वियस सी बात है एसी वोल्टेज ही होगा क्योंकि आपने यहां पर एसी दिया है आप सिर्फ उस एसी वोल्टेज को यहां पर रिड्यूस कर रहे हो क्लियर सो यहां पर जो आपका वीआई है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं वीएम साइन ओमेगा टी एसी वोल्टेज को हम साइनोसोइडल वेवफॉर्म के फॉर्म में यूज करेंगे नाउ यहां पर हमें पता है कि जो वीएम है वो क्या है आपका पीक एसी वोल्टेज है और अगर आपको आरएमएस चाहिए तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है वीएम अपॉन √2 तो ये बेसिक हमें साथ लेकर चलना है यहां पर जो आपका एफ है फिफ्टी हर्ट्स जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है तो यहां पर आप बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यू ना लेते हुए जनरलाइज ओमेगा लिख रहे हैं ठीक है तो इस पॉइंट्स को साथ लेकर चलें और हम अगर डायोड के ऑपरेशन को स्टडी करें तो जो आपका डायोड है जब वी आई आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या होगा देखिए डायोड का यहां प्लस है यहां माइनस है तो डायोड क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस होगा और जब वी आई आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा जब इनपुट आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस डायोड को अगर आइडियल केस में हम शॉर्ट सर्किट लेके चलें, तो आप देख सकते हैं जो वी जीरो है वो किसके इक्वल होगा वी आई के और रिवर्स बायस डायोड को अगर हम ओपन सर्किट लेके चले तो वी जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इस ऑपरेशन को हम स्टडी कर लेते हैं डिटेल में तो सपोज करिए यहां पर आपका वी आई जो कि आपने प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म अज्यूम किया हुआ है ठीक है तो वी आई वर्सेस ओमेगा टी, अगर आप यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म अगर आप ड्रॉ कर लें सो जीरो पाई, टू पाई, है? अभी पता है प्योर साइन वेव यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हमारा वी एम देन माइनस वी एम नेगेटिव साइड तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका वी आई पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड ठीक है तो बेसिकली अगर आप यहां पर वी नॉट को ड्रॉ कर ले साथ ही साथ तो जो आपका वी नॉट होगा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर डायोड को फॉरवर्ड बायस शो करते हुए फिगर को यहां पर ड्रॉ कर, कर लू आपके लिए स्पेशली ये जो आपका लूप है ठीक है ना सेकेंडरी वाइंडिंग वाला तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केस वन केस वन हमारा क्या होगा कि जब आपका ओमेगा टी जो है वो जीरो से पाई के बीच पे होगा डेट मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल तो यहां पर आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस मीन्स शॉर्ट सर्किट तो डायोड जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो जो वी नॉट है जो आर एल के अक्रॉस आप ले रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा वी आई के देख सकते हैं आप शॉर्ट है तो वी जीरो इक्वल हो गया आपके वी आई के तो बेसिकली जब डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हुआ जीरो से पाई के बीच में तो जो वी जीरो है वो एज इट इज आपको मिल जाएगा वी आई के इक्वल ठीक है ना सेम डायग्राम आप जीरो से पाई के बीच में रिपीट कर सकते हैं आउटपुट में क्लियर है यहां तक अच्छे से नाउ यहां पर एक और पॉइंट समझने वाला है कि आपने यहां पर ओमेगा टी लिया है एक्स एक्सिस को ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड टी की क्या होती है सेकेंड तो ओमेगा टी क्या होता है आपका रेडियन एंगल दैट्स मीन देखिए पाई टू पाई सब मैंने यहां पर रेडियन में लिए हैं नाउ जब आप केस की बात करते हैं केस में अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू लेते हैं पाई से टू पाई सो पाई से टू पाई की वैल्यू में आप चेक कर लीजिए आपका जो वी आई है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है तो जब वी आई नेगेटिव हाफ साइकिल है तो डायोड का प्लस जो है वो आपका वी आई के माइनस से अटैच हो जाएगा जिसके कारण आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस ठीक है तो डायोड जब आपका रिवर्स बायस होगा तो यहां पर अगर मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो रिवर्स बायस मींस क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट तो ये हो जाएगा आपका आरएल प्लस माइनस वी नॉट तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो क्लियर है अच्छे से क्योंकि यहां पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी ओपन सर्किट में करंट क्या होती है हमारी जीरो तो वी नॉट इक्वल टू जीरो तो बेसिकली जब आप बात करते हो पाई से टू पाई के बीच की तो आपका वी नॉट जीरो आता है सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट साइकिल की बात करो फिर से जो कि अगेन पॉजिटिव होगी टू पाई से थ्री पाई तो अगेन चूंकि वी आई पॉजिटिव है तो आपको आंसर मिल जाएगा वी नॉट का तो आप देख सकते हो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ वी आई आपका जो वी नॉट है वो जीरो आ रहा है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वी आई वी नॉट जो है वो आपको एक फाइनाइट वैल्यू या आपको हाफ साइकिल मिल रही है एज इट इज वी आई के इक्वल मिल रही है ठीक है ना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या होगा हमारे लिए कि हमें अब वन बाई वन डायोड करेंट्स का आउटपुट करेंट का आउटपुट करेंट के आर वैल्यू का डीसी वैल्यू का आउटपुट वोल्टेज का इन सारी चीजों का डिटेल में एनालिसिस करना होगा तो ऐसे करके हमारे पास 15 टू 16 पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ हाफ वेयर रिएक्टिफायर तो यहां पर मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स लूंगा आज की वीडियो में हम कुछ फोर टू फाइव पॉइंट डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे सो so, वेव रेक्टिफायर के केस में जो आपका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है आपका इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट ठीक है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट और आउटपुट करेंट को आप लोड करंट के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो यहां पर बेसिकली ये आउटपुट करंट या लोड करंट है क्या तो हमने जो यहां पर स्टार्टिंग में फिगर बनाया है वहां पर आप देखिए आई आई करंट जो आर से फ्लो हो रही है वही है आपकी लोड करंट तो ये जो आपकी लोड करंट है यहां पर अगर आप इसे बना लें तो आई की वैल्यू केस वन में जो कि है आपका जीरो टू ओमेगा टी टू पाई केस वन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी तो ये फिगर जो है हमारे पास केस वन का आप देख सकते हैं जो आपकी आई की वैल्यू है आप केवियल लगा के ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप केवियल लगाए क्लॉकवाइज मूव करें तो माइनस वी आई प्लस आई इन टू आर एल क्योंकि आई जो करंट है वो आर एल से फ्लो हो रही है सो माइनस वी आई प्लस आई आर एल इक्वल टू जीरो ठीक है? तो आप क्या बोलोगे माइनस वी आई प्लस आई आर एल इक्वल टू जीरो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी Vi RL. यहां पर Vi की वैल्यू हमारी क्या है हमने ऑलरेडी कर रखा है Vm sin omega t RL. यहां पर ये आपका आई का इक्वेशन आ गया फ्रॉम जीरो अब अगर मैं बात करूं केस टू की सो केस टू के लिए आप देख सकते हैं जो आपने फिगर ड्रॉ किया है पाई से टू पाई के लिए आप देख सकते हैं कि जो आई है जो आर से फ्लो हो रही है जो इस लूप में फ्लो हो रही है वो जीरो होगी क्यों क्योंकि डायोड क्या है आपका ओपन सर्किट है क्लियर है अच्छे से तो आप आई की वैल्यू केस टू के लिए दैट मींस पाई से लेकर टू पाई के लिए क्या लेकर चलोगे जीरो क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो केस वन और केस टू में हमने फिगर ड्रॉ किए हैं उसमें हमने डायोड को आइडियल मान के चला है स्पेशली केस टू में तो आपने ओपन सर्किट लिया है जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप केस वन की बात करते हो तो केस वन में अगर फॉरवर्ड बायस में आप डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ भी कंसीडर कर लो ठीक है ना डायोड जो हम लोगों ने ईडीसी में बेसिक एनालिसिस स्टडी किया है तो अगर आप डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर लोगे तो यहां पर आर एफ तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस वी आई प्लस आई आर एफ प्लस आई आर एल इक्वल टू जीरो पर आप लिख सकते हो आई आर एफ तो यहां पर आपका आ जाएगा आर एफ और अगेन आपका जो करंट है वो आ जाएगा वी एम साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर एल सो बेसिकली यहां पर वी एम हमारा क्या है मैक्सिमम वोल्टेज है और आर एल प्लस आर एफ क्या है रजिस्टेंस वैल्यू है रजिस्टेंस वैल्यू तो आपकी कॉन्स्टेंट ही होगी तो जब आपका वी मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वीएम अपॉन आर एफ प्लस आर एल क्या होगा आपका आईएम दैट मीन्स करेंट भी क्या होगा मैक्सिमम होगा तो जो आपका करंट आप लिखोगे वो आप लिखोगे आई इक्वल टू आईएम साइन ओमेगा टी वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है एग्जाम में अगर आर एफ की वैल्यू नहीं दी है तो आपको जीरो ले लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है आर एफ है क्या फॉरवर्ड रजिस्टेंस ऑफ द डायोड लेकिन अगर आर एफ की वैल्यू दी हुई है तो आपको उसको इंक्लूड करना ही होगा ठीक है आप डायोड को शॉर्ट सर्किट नहीं ले सकते हो अगर आपको आर एफ की वैल्यू गिवन है ठीक है तो यहां पर अगर मैं रफली आपके लिए डायग्राम बना दू तो जो आपका डायोड है वो होता है शॉर्ट सर्किट आइडियल केस में लेकिन अगर आपको आर एफ की वैल्यू दी हुई है तो आप आर एफ दैट मीनस फॉरवर्ड रजिस्टेंस लेते हो ऑल दो फॉरवर्ड रजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है बहुत ही लेस वैल्यू होती है ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होती है लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू दी है तो हमें वो कंसिडर करनी होगी नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लेने के बाद दैट मींस इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेने के बाद हमें अब इसी इंस्टेटेनियस करंट के इक्वेशन का यूज करके आउटपुट करंट्स कैलकुलेट करनी है डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू यहां पर एक और पॉइंट है कि ये जो इंस्टेटेनियस आउटपुट करंट हमने कैलकुलेट की है बेसिकली यहां पर ये यह जो करंट की वैल्यू है ये टाइम टी पर डिपेंड कर रही है इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस बोला जाता है इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट पर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अब हमें इसी इक्वेशन का यूज करना है आउटपुट इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन का यूज करना है और डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट करनी है सो डीसी आउटपुट करंट विच इज आई डी सी ये क्या होगी सो डीसी करंट या डीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हमने नेटवर्क थ्योरी में स्टडी किया है डीसी so, वैल्यू क्या होती है आपकी डीसी वैल्यू होती है वन बाई टू पाई ठीक है टू पाई हमने क्यों लिया है क्योंकि यहां पर जो हमने साइन वेव अज्यूम की है अगर आप पूरी साइकिल देखें तो क्या है जीरो से टू पाई फिर बार बार रिपीट हो रही है सो वन बाय टू पाई देन जीरो से टू पाई देन आई देन डी ऑफ ओमेगा टी ठीक है यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहां पर आप एक्स एक्सिस ले रहे हैं साइन वेव के लिए वो आप ले रहे हैं ओमेगा टी दैट मीन एंगल इसलिए देखिए आपने यहां पर जो लिमिट्स भी ली हैं वो एंगल की ली है टाइम की नहीं ली आपने तो जब आप लिमिट्स एंगल की ले रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन भी एंगल के रेस्पेक्ट में करना होगा दैट मीन्स इंटीग्रेशन आपको ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही करना होगा सो so जो आई डी सी की आपकी वैल्यू हो जाएगी वन बाय टू पाई नाउ आपको आई की वैल्यू यहां पर पुट करनी है तो आई की वैल्यू अगर आप देखें तो आई की वैल्यू है हमारी आई एम साइन ओमेगा पाई, पाई क्या है जीरो है तो बेसिकली आपको पता है पाई से टू पाई वैल्यू जीरो है तो आपको जो लिमिट्स है वो कहां से कहां लेनी चाहिए वो आपको लिमिट्स लेनी चाहिए जीरो से लेकर पाई तक क्लियर है यहां तक तो जीरो से पाई हमारी लिमिट होगी और i की वैल्यू क्या है आई एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी क्लियर सो यहां पर जो आई डी सी है आपका आई एम आपका कांस्टेंट वैल्यू है आउटसाइड हो जाएगा तो आई एम बाई टू पाई जीरो टू पाई साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी नाउ यहां पर अगर हम बात करें आई एम बाई टू पाई आउटसाइड और साइन ओमेगा टी का हमें इंटीग्रेशन करना है ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में दैट मींस आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइन एक्स का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में ठीक है ना ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के फॉर्म में यह होता है आपका माइनस कॉस एक्स दैट मीनस माइनस कॉस ओमेगा टी ठीक है तो आई डी सी की वैल्यू आई एम अपॉन टू पाई और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी चूंकि माइनस साइन लगा है तो लोअर लिमिट पॉजिटिव हो जाएगी तो कॉस जीरो कितना होता है वन माइनस अपर लिमिट तो कॉस पाई क्या होता है माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां लिमिट्स पुट करनी है तो आई डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू और टू कैंसल आई एम बाय पाई क्लियर है अच्छे से तो ये आपकी होती है डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री में आपको कैलकुलेट करना है आर वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट ठीक है तो हमारे पास जो आउटपुट इंस्टेटेनियस करेंट है उसकी हमने डीसी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है अब हमें उसकी आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो आर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका जो आप नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो वन बाई टू पाई जीरो आई अगेन आपको ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है तो आई आर एम एस तो आई आर एम एस का आपका जो इक्वेशन बन जाएगा यहां पर वन बाई टू पाई अगेन चूंकि आपको पता है कि जीरो से पाई तक आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी है बट पाई टू टू पाई जीरो है इसलिए आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए जीरो से पाई नाउ आपको स्क्वायर करना है तो आप नॉर्मली आई का स्क्वायर ले लीजिए एम स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा टी नाउ आपको पता है कि आई एम स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट तो वो आपका इंटीग्रेशन साइन के क्या हो जाएगा आउटसाइड सो आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय टू पाई और इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मुला क्या होता है हमारा वन माइनस कॉस टू ओमेगा यहां तक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो आज से आपको अब याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू नाउ यहां पर जो आई आर एम एस है हमारा आई आर एम एस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर i m स्क्वायर है तो अंडर रूट क्या आउटसाइड हो जाएगा तो आप i m लिख सकते हैं उसके बाद एक और पॉइंट है यहां पर देखिए यहां से 2 कांस्टेंट है आउटसाइड होगा एक और 2 बाहर में है तो 2 2 4 तो आपका जो 4 है वो भी अंडर रूट के बाहर हो जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है और जो पाई है वो सिर्फ एक बार है तो अंडर रूट पाई आप नॉर्मली लिख लीजिए तो बाकी सारी वैल्यू अगर आप मेन अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो आप देख लीजिए मेन अंडर रूट के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी का तो वन का क्या होगा हमारा वन का हमारा हो जाएगा ओमेगा टी सिंपल सा लॉजिक है कि आप वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मान लीजिए डी एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स क्या है ओमेगा टी नाउ कॉस टू ओमेगा टी का माइनस साइन लगा हुआ है लेकिन कॉस टू ओमेगा टी का डी ओमेगा टी मतलब आपका इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में है तो अगर आप ओमेगा टी को एक्स मान लेते हैं तो कॉस टू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो कॉस टू एक्स का क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू पॉजिटिव होता है लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस तो कितना हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू और जो आपकी लिमिट्स हैं जीरो से पाई अब हमें अच्छे से पता है कि साइन जीरो साइन पाई साइन टू पाई साइन थ्री पाई सारी वैल्यूज क्या होती हैं जीरो होती हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि अपर लिमिट पाई है लोअर लिमिट जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा ओमेगा टी और आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी ओमेगा टी की ही हैं ध्यान रखिएगा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए लिमिट्स टी की नहीं है लिमिट्स ओमेगा टी की हैं तो ओमेगा टी अपर लिमिट क्या होगा पाई लोअर लिमिट होगा जीरो तो आंसर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का पाई क्लियर है तो अंडर कैंसल तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी बच जाएगी आई एम डिवाइडेड बाय टू क्लियर सो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर फोर वो हमें कैलकुलेट करना है आई आर एम एस ऑफ एसी आउटपुट करंट देखिए यहां पर अब आपको कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट ठीक है देखिए जो आपकी आउटपुट करंट है जैसा हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि जो रिएक्टिफायर का आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब होता है कि उसमें एसी भी प्रेजेंट होता है और डीसी भी प्रेजेंट होता है ठीक है तो हमने जो लास्ट पॉइंट देखा जो हमने आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट कैलकुलेट किया वो हमने ओवरऑल आउटपुट करंट का कैलकुलेशन किया जो ओवरऑल आउटपुट करंट थी आई एम साइन ओमेगा टी अब हम क्या करने वाले हैं उस ओवरऑल आउटपुट करंट में जो एसी पार्ट था उस एसी पार्ट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे अब आरएमएस वैल्यू का क्लियर है अच्छे से तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो आई जो आउटपुट करंट है आपका आईएम साइन ओमेगा टी उसमें आपका डीसी पार्ट भी है और एसी पार्ट भी है ठीक है तो यहां पर जो आपका एसी पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा आई माइनस आई डी सी क्लियर तो यहां पर अब हमें करना क्या है अब हमें इस एसी पार्ट का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है ठीक है तो अगर आप बात करते हैं एसी आर एम एस की तो ए सी पार्ट की जो आर एम एस वैल्यू है आर एम एस का फॉर्मूला आपका सेम होगा अंडर रूट वन बाई टू पाई जीरो आई स्क्वायर ए सी डी ऑफ ओमेगा टी ठीक है तो यहां पर जो आई स्क्वायर ए सी है वो क्या होगा आई माइनस आई डी सी तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सो आई एसी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई टू पाई जीरो टू टू पाई नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी क्लियर है अच्छे से हमने बस क्या किया यहां पर आई स्क्वायर ए सी की वैल्यू पुट कर दी आई माइनस आई डी सी नाउ अंडर रूट के अंदर वन बाई टू पाई जीरो टू टू पाई अब अगर हम होल स्क्वायर को ओपन कर लें तो होल स्क्वायर को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है डी ऑफ ओमेगा नाउ यहां पर अब अगर हम ध्यान से समझें इस पॉइंट को तो आपको इंटीग्रेशन किसका किसका करना है आई स्क्वायर का आई स्क्वायर डीसी का और टू आई आई डी सी का ठीक है तो हमें पता है कि जो आपका आई डी सी होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ठीक है तो यहां पर आई डी सी जो है वो इंटीग्रेशन साइन के क्या हो जाएगा बाहर तो अगर आप फिर से अंडर रूट यहां पर कंसिडर करते हैं सो वन बाई टू पाई सो यहां पर जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो कितना है आपका वो है आपका आई स्क्वायर जीरो से टू पाई आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा प्लस फिर आपका जो इंटीग्रेशन है जीरो से टू पाई डी ऑफ ओमेगा टी और आप चाहें तो आई स्क्वायर डीसी को आउटसाइड लिख सकते हैं क्योंकि आई डीसी डीसी का मतलब यही होता है कांस्टेंट और देन माइनस टू आई डी सी को आप आउटसाइड लिख लीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो से टू पाई आई डी ऑफ ओमेगा टी नाउ अब अगर हम फर्दर सॉल्व करें इसे तो इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वन बाई टू पाई को अगर आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो वन बाई टू पाई ठीक है और जीरो से टू पाई आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी ठीक है ये आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा प्लस वन बाई टू पाई आई स्क्वायर डी सी ठीक है और इसके बाद आप देखिए यहां पर वन है कांस्टेंट है तो डी ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा टी जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे टू पाई तो टू पाई आंसर आ जाएगा लोअर लिमिट हमारी क्या है जीरो है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे टू पाई सो टू पाई टू पाई क्या होगा कैंसल देन अगर आप नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं सो माइनस टू आई डी सी आपका आउटसाइड हो जाएगा माइनस टू आई डी सी और वन बाई टू पाई अगेन आपका मल्टीप्लाई होगा ठीक है ना वन बाई टू पाई जो आपका ब्रैकेट के आउटसाइड था तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जीरो से टू पाई आई डी ऑफ ओमेगा ठीक है तो अब अगर आप तीनों टर्म का एनालिसिस करते हैं तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म बन रहा है इसे देखिए जो फर्स्ट टर्म बन रहा है आप देखिए ये जो है हमने कहा स्टडी किया है ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है आई आई आर आर एम एम एस एस का एग्जैक्ट है आपके पास तो ये जो फर्स्ट टर्म बन रहा है ये बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस ठीक है क्योंकि आई आर एम एस का फॉर्मुला जो था अंडर रूट ऑफ दिस था तो ये क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस सेकेंड टर्म जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है आप देख सकते हैं आई स्क्सी क्योंकि टू पाई टू पाई कैंसिल हो गया था नेक्स्ट टर्म माइनस टू आई डी सी और ये जो टर्म है आपका वन बाई टू पाई जीरो से टू पाई आई डी ओमेगा टी ये टर्म अगर आप देखें तो जो आपने सेकेंड नंबर का पॉइंट स्टडी किया है आज की वीडियो में डीसी आउटपुट करंट देख सकते हैं आई टी सी आई डी सी का इक्वेशन आपका एग्जैक्टली exactly सेम है ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई डी सी आई डी सी तो जो आपका आई ए सी आर एम एस है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर dc देख सकते हैं आप टू आई स्क्सी माइनस में है और आई स्क्सी प्लस में है तो ये आपका आंसर आ गया आर एम एस वैल्यू और चूंकि यहां पर हमें आई आर एम एस की वैल्यू भी पता है और आई डी सी की वैल्यू भी पता है पॉइंट नंबर टू एंड थ्री से तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आई एसीआर की आई ए सी आर एम एस जो है वो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है आई एम बाई टू का स्क्वायर क्योंकि आई आर एम एस आपका क्या है आई आर एम एस है आई एम बाई टू जो हमने कैलकुलेशन किया है साथ ही साथ हमने जो आई डी सी का कैलकुलेशन किया है वो हमने कैलकुलेट किया है आई एम बाई पाई तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर क्लियर है अच्छे से तो ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन होता है एसी आउटपुट करेंट की आरएमएस वैल्यू का ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव पे हमें कैलकुलेट करना है रिपल फैक्टर बेसिकली रिपल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरिकल एनालिसिस है जो आपको बताता है कि आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट है और कितना डीसी कंपोनेंट है बेसिकली ये आपको बताता है अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट के बारे में तो रिपल फैक्टर रिप्रेजेंट द अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द रियक्टिफायर ठीक है तो अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में जब हमने रिएक्टिफायर की डेफिनेशन देखी थी तो रिएक्टिफायर का रोल क्या है रेक्टिफायर का रोल है एसी प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना बेसिकली पावर सप्लाई का रोल क्या है पावर सप्लाई का रोल है प्योर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना तो पावर सप्लाई का फर्स्ट ब्लॉक है आपका रिएक्टिफायर तो रिएक्टिफायर का आउटपुट जो होता है आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्योर डीसी मिल जाए लेकिन कुछ एसी पार्ट भी मिलता है अनडिजायर्ड एसी पार्ट तो इसी कारण हमने नाम दिया है अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट रिपल फैक्टर शो करेगा आपको ये पॉइंट तो रिपल फैक्टर है क्या रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रियक्टिफायर ठीक है तो यहां पर अगर आप रिपल फैक्टर की बात करते हो तो हम नॉर्मली इसे आर से शो करेंगे तो रिपल फैक्टर क्या होता है रिपल फैक्टर होता है आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है आई ए सी आर एम एस आप देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास है डिवाइडेड बाय डीसीट आई डी सी जो हमने पॉइंट नंबर टू में कैलकुलेट की थी तो जो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अब आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डीसी डिवाइडेड बाय आई डी सी ठीक है यहां पर अब अगर आप आई डी सी से डिवाइड कर दें अंडर उड के अंदर तो कितना बन जाएगा यह ये? ये आपका बन जाएगा आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन क्लियर सो आई आर एम एस ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास क्या है आई एम बाई टू आप चेक कर सकते हैं आई डी सी की वैल्यू क्या है आई एम बाय पाई का होल स्क्वायर माइनस वन तो आप देख सकते हैं आई एम आई एम कैंसल ठीक है तो यहां पर अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें ये हो जाएगा आपका पाई बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन का होल अंडर रूट तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने पर आती है वन पॉइंट टू वन ठीक है अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.21 और ये रेशियो क्या था अगर आप फिर से इसे रिवाइज करें तो जो रिपल फैक्टर जो आपने कैलकुलेट किया है 1.21 ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट मींस जो आउटपुट करंट है उस जो एसी पार्ट है उसका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय जो डीसी पार्ट है डीसी पार्ट जो चाहिए था आपको ठीक है ना डीसी पार्ट जो डिजायर्ड था तो ये बेसिकली एसी पार्ट डिवाइडेड बाई डीसी पार्ट है तो अगर आप देखेंगे ए सी पार्ट डिवाइडेड बाई डीसी पार्ट है दैट पार्ट जो है वो वन पॉइंट टू वन टाइम्स ज्यादा डी सी पार्ट से जो अनडिजायर्ड पार्ट है वो डिजायर्ड पार्ट से ज्यादा है तो आप यहां समझ सकते हैं कि हाफ वेर एक्टिफायर में ए सी कंपोनेंट इज मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये आपका ह्यूज ड्रॉबैक है ठीक है ना हाफ वेव रियक्टिफायर का ड्रॉबैक है यह ड्रॉबैक ऑफ हाफ वेव रियक्टिफायर एस आर ग्रेटर देन जो कि आप देख सकते हैं है है क्लियर अच्छे है से तो यहां पर जो एसी कंपोनेंट ग्रेटर मिल रहा है डीसी कंपोनेंट से आइडली उस एसी कंपोनेंट को लेस होना चाहिए और आइडली जीरो होना चाहिए एस कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट ठीक है तो ये आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे फॉर हाफ योर रेक्टिफायर आने वाली वीडियो में हम पावर अफिशियंसी डायोड वोल्टेजेस ये सब का एनालिसिस करेंगे ठीक है अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं थैंक यू